एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इस चैनल में मेरे फर्स्ट चैनल के भी बहुत सारे फैंस होंगे जिनको मेरे कल के वीडियो में कुछ नॉइस प्रॉब्लम लगी होगी। आपको पता है वो कौन सी प्रॉब्लम है? हमारे साथ हमारे टीम में एक और मेंबर जुड़ा है। जब जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो अपने घुंघरू लेके आ जाते हैं मेरे वीडियोज में घुसने के लिए, और इस वीडियो में जितना मेरा योगदान है और जितना मेरे मेंबर्स का योगदान है उतना उनका भी योगदान है। सो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी उसे इज्जत से बुलाएं क्योंकि उनका नाम काजू कतली चाची है। और जब मैं वीडियोस को क्रिएट करती हूँ तो वो घुस जाती है, कहीं अगर रिपोर्टर्स आ गए तो वो अपनी फेस भी दिखा देगी। मैं साफ साफ भूत की बात कर रही हूँ। सो अगर आप लोग उस पे इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज आप मुझे बताएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड है कि आप लोग उसके बातों में इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप लोग उसके घुंघरू पे इंटरेस्टेड है कि नहीं। सो आपको मेरे इस वीडियोस में भी उसके घुंघरू की आवाज सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो चलिए विदाउट एनी डिले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ब्यूंगचुल था। तो यो येरी को अपनी आंख बंद करने को बोलता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे उल्टा यो को ही चोट लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में ब्यूंगचुल, येरी और यो साथ बैठे हुए थे तो ब्यूंगचुल बोलता है, तुम चुप बैठी रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा। तो ब्यूंगचुल उसके हाथ को खोलते हुए बोलता है, तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे? और हम कुछ दिनों पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ब्यूंगचुल ने उसे पहली बार क्लास में देखा था और उसका दीवाना बन गया था। उसने उसको दोस्त भी बनाना चाहा, नंबर भी मांगा, बट येरी ने उसे देने से साफ मना कर दिया। और फिर जूरी तुरंत आकर उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके प्यार पे वो लट्टू हो जाता है। और हम देखते हैं कि ब्यूंगचुल येरी को पीछे से हक कर लेता है और येरी उसको पीटने लगती है और उसे पहचानने को साफ इनकार कर देती है। और इधर प्रेजेंट पे ब्यूंगचुल बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ ये गेम क्यों खेला है, बट मैं इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ब्यूंगचुल बोलता है, मैं ये सब नहीं जानता था और तुमने मुझे ये सिखाया और अब तुम मेरे साथ खेल रही हो। तो फिर यो बोलता है कि ये तो पागल हो गया है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो फिर ब्यूंगचुल बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम अब कॉलेज से कोई मतलब नहीं रखोगी और इसी वजह से तुम्हें भुलाने के लिए मैं कॉलेज से ऑफ हो गया, लेकिन तुमने यो को हरास किया और ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम ही हम दोनों के बीच आए वरना सब ठीक था। और वो चिल्लाने लगता है तो यो बोलता है, अरे ब्यूंगचुल थोड़ा धीरे बोलो। और वो कुछ बोल ही रहा था कि ब्यूंगचुल उसको मारने आने लगता है तो येरी आगे आ जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसका चश्मा भी गिर जाता है और यो उसको उठाने लगता है, बट उठती है जूरी और बोलती है, तुम्हारा येरी के साथ सब शॉर्ट हुआ। और वो ब्यूंगचुल के बारे में बताने लगती है कि उसे लगा था वो स्लो स्लो बंदा है बट वो पर्वेट निकला और वो उसे बुरा भला बोलने लगती है। तो यो उसको चुपने को बोलता है क्योंकि अब ब्यूंगचुल जग चुका था, वो गोरिल्ला की तरह उछलने लगता है। तो जूरी बोलती है, काम डाउन पर्वेट बट आई लव यू। तो ब्यूंगचुल जूरी को हर्ट करने के लिए चीजों को उठाकर फेंकने लगता है तो यो उसे कवर करता है और ब्यूंगचुल को बोलता है, अगर तुमने इसको हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये जूरी देखकर इम्प्रेस हो रही थी तो ब्यूंगचुल यो को जोरों शोरों से पीटने लगता है। तो जूरी बोलती है, वो जो बोलेगा वो करेगी। यो उसे मना भी करता है बट जूरी बोलती है, पास आओ तब बताऊंगी, लेकिन जूरी उस पर अपनी स्किल से उसको चकमा दे देती है और जूरी बोलती है, पर्वेट यही डिजर्व करते हो तुम और मैं यही कहना चाहती थी। यहाँ यो जिन और यो सिक साथ हो चुके थे, जहाँ यो सिक उस पर गुस्सा कर रहा था कि उसने दूसरे लड़के के साथ क्यों टाइम बिताया और अगर अगली बार से बिताया तो उसे पेनल्टी भरना होगा। तो यो जिन बोलती है, मुझे इतना ऑब्सेस लोग पसंद नहीं है। तो यो सिक बोलता है, इसको इसका नाम मत दो। और वो उसके कान में बोलता है, मैं इसलिए ही तो तुमसे ऑब्सेस हूँ। यो जिन बोलती है, क्या बोल रहे हो? और वो लोग येरी के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि ब्यूंगचुल को पुलिस लेकर जा रहे थे। तो ब्यूंगचुल अपनी क्रीपी स्माइल देकर चला जाता है। तो योजिन को जूरी बोलती है, कैसी हो? तो योसिक बोलता है, तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम इस सकीम यो को हॉस्पिटल जाने बोल रहे थे और जूरी को स्टेटमेंट देने के लिए। तो जूरी बोलती है, वो उसके साथ ही रहेगी। साफ बोले तो वो यो की दीवानी बन गई थी। तो योजिन उसके सर पे मार देती है और एग्जैक्टली येरी आ जाती है। येरी ये सारा हाल देख के यो को बोलती है, तुम्हारे फेस में क्या हो गया? तो यो बोलता है कि वो ठीक है। और हम देखते हैं मिंगजुन बुक पढ़ने के बहाने बुक ओनर को ताकी जा रही थी। तो मिंगजुन बोलती है,
आज तुम बहुत खुश देख रहे हो। तो ओनर बोलता है, कुछ था जो मुझे बड़े दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन अब वो काम हो रहा है। तो वो बोलता है, अब थोड़ा लेट हो गया है। तो मिंजुन बोलती है, तब मैं चलती हूँ। तो ओनर बोलता है कि नहीं, नूडल शॉप खुली है, क्या वो जाना चाहेगी? तो वो तुरंत अग्री हो जाती है। तो मिंजुन उसके रिंग को देखती है, तो वो बोलती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम का है क्या? तो वो ओनर बोलता है कि क्यों पूछ रही हो? तो मिंजुन बोलती है, वो थोड़ी क्यूरियस है, यहाँ येरी और यो साथ सी साइड पे थे। तो यो बोलता है, तुमने बोला तुमसे जब कोई कुछ पूछता है तो वो आ जाती है, वो क्यों? तो येरी बोलती है कि शायद वो बहुत नर्वस हो जाती है। येरी बताती है कि जब वो नर्वस या एक्साइटेड होती है तो जूरी टपकती है। तो यो बोलता है, ये तो अच्छा है, अब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें ये सब होने की जरूरत ही नहीं है। तो येरी बोलती है, वो मॉन्ग नहीं है जिसके पास कोई इमोशन नहीं होते हैं। तो यो बोलता है, कोई नहीं, मैं सब ले सकता हूँ। तो येरी बोलती है, गुस्सा करके बोलती है, तुम ये सब कैसे ले सकते? मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या अजीब हरकतें करती हूँ। तो यो बोलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो उसे जैकेट पहनाता है और बोलता है, चाहे तुम जो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो येरी बोलती है, सही कहा तुमने, मैं भी कुछ ऐसा ही फील करती हूँ। तो यो बोलता है, कहीं तुम अपनी सेंस भूल गई हो? तो यो बोलती है, नहीं। तभी वो कुछ बोलती कि वो उसे किस करता है और वो उसे नेकलेस पहनाकर फिर से किस करता है। और यहाँ येरी मिंजुन के रूम में थी जहाँ यो उसे प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। तभी वहाँ मिंजुन आकर उन्हें वहाँ से निकलने को बोलती है और वहाँ दे चिल्लाता है चादर वगैरह लेकर, और वो यो को लेकर चला जाता है। तो मिंजुन उनके जाते ही येरी को बोलती है, जरा अच्छे से सोना, मैं सोते वक्त बहुत सेंसिटिव होती हूँ। और मिंजुन उसकी कोई बात ना सुनते हुए खर्राटे मार के सोने लगती है। बट अभी तक येरी नहीं सोई थी और येरी उसको देख के बोलती है कि ये तो बड़ी क्यूट है। तो यो का मैसेज आता है कि तुम सो गई। तो येरी उसको मैसेज करती है, नहीं मैं नहीं सो सकती। तो वो पूछता है कि क्यों? तो वो बोलती है कि शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे से प्यारे प्यारे चैट करके बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ मिंजुन ओनर को बता रही थी कि कल रात भर वो लोग चैट कर रहे थे जिस वजह से वो सो ही नहीं पाई। तो वो उसे बताती है कि इन हो को कोई स्टॉक कर रहा है जिसने उसके स्कूटर को भी तोड़ा था, वो ये सब क्यों कर रहा होगा? तो वो बोलता है, हाँ सच में वो ये सब क्यों कर रहा होगा? तो मिंजुन बोलती है, हाँ तुम कितने हैंडसम हो। तभी मिंजुन उसके पास वही येरी वाली नैपकिन देखती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये येरी का है। यहाँ येरी यो योसिक और योजिन सारे एंजॉय कर रहे थे। तो योसिक बोलता है, उसको नहीं लगा था ब्योंगचुल ऐसा करेगा, वो तो दो फेसो वाला बंदा निकला। तभी ये सुन के वो लोगों के मुंह से साथ में ड्रिंक गिर जाती है। तो योसिक बोलता है, इन्हें क्या हुआ? योजिन जूरी के बारे में बोलने लगती है। तो योसिक बोलता है कि ये जूरी कौन है? तो योजिन बोलती है, तुम खाने में ध्यान दो। और वहाँ वो लोग देचुल को भी देखते हैं जहाँ यो और योसिक उसे देख उसको ठगने के लिए उनके पास चले जाते हैं। तो वो लोग जम के खा ही रहे थे। तो देचुल बहुत परेशान था। तो यो बोलता है कि क्या हुआ? तो देचुल बोलता है, तुम्हें पता नहीं है? और वो उसकी पोल खोलने वाला था बट वो ऐसा करता कि यो उसको रोक लेता है और वो लोगों की नौटंकी चालू हो जाती है। तभी योजिन येरी को ज्यादा ड्रिंक करने को मना करती है। तो येरी बोलती है कि डोंट वरी, वो ड्रंक नहीं होगी। और पब का ओनर आके गाना गाने लगता है और पब का ओनर बहुत खुश होने के कारण कि उसका पब कई अरसों से चल रहा है तो वो 10 एडमिशन टिकट प्रेजेंट के तौर पे देना चाहता था। तो वो बोलता है, बट ये फ्री नहीं है, जो भी स्टेज में आकर ये स्किल्स दिखाएंगे उसे ही ये प्रेजेंट के तौर पे मैं दूंगा। तभी देचुल के कहने पर योसिक वहाँ जाता है और सबके फोर्स करने पर वहाँ यो भी जाता है। तभी वो दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। सबके सब ये देख इम्प्रेस हो ही रहे थे। ये देख येरी क्यूरियस हो गई थी, वो मन में ही दुआ कर रही थी कि गॉड मेरी हेल्प कर, और वो यो के चार्मर्स की वजह से गिर जाती। और योजिन जब ये रियलाइज करती है तो वो येरी को उठाने लगती है। जैसे डांस खत्म होता है तब भी योजिन उसे उठा ही रही थी और जूरी उठती है और योजिन को हटा ऑन द स्पॉट स्टेज पे चली जाती है। तो यो बोलता है कि तुम ड्रंक हो और जूरी अपना गाना चालू कर देती है और यो और योसिक बहुत ज्यादा एम्बेरस दिख रहे थे। तभी योजिन डांस करते हुए आती है और येरी के सर पे हाथ मारती है और तभी येरी उठती है। और ये सब देख के येरी सरप्राइज थी। यहाँ येरी गुस्से में घर आती है जहाँ योस के रैप के बारे में बोल हंसा जा रहा था। तो वो बोलता है, लेकिन वो लोग तुम्हें वियर्डली नहीं देख रहे थे क्योंकि तुम ड्रंक दिख रही थी, ये लास्ट टाइम से तो अच्छा ही था। येरी बोलती है, वो क्यों आती है? तो यो बोलता है, क्योंकि तुम उसे बहुत गहरा प्यार करती हो। और येरी स्माइल करने लगती है और वो लोग किस करने वाले थे कि तभी देचुल नशे से उठता है और वही जूरी वाली रैप गाने लगता है जो काफी फनी होता है और इन्हें काफी अजीब भी लगता है। और दोनों अपने अपने रास्ते
रास्ते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में येरी और यो उस सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए आए थे मिस्टर किम के पास, जहां वो लोग उस टूटे बॉटल वाले इंसिडेंट की फुटेज देख रहे थे। बट मिस्टर किम बताते हैं कि बिंग चुल स्कूटर टूटने वाले दिन अपने फैमिली सेरेमनी में था, इस दिन वो हॉस्पिटल में था। तो यो बोलता है कि तब कौन हो सकता है, तो मिस्टर किम उन्हें फुटेज दिखा बोलते हैं ये ऐसे ही एंटर हुआ होगा, ये पक्का यही यूनिवर्सिटी पे पढ़ता है, तुम दोनों केयरफुल रहो। तो येरी को वही सारी उस दिन की इंसिडेंट याद आती है जब वो सस्पेक्ट उसका पीछा कर रहा था। यहाँ येरी और यो देचुल के पास आए थे, तो देचुल बोलता है तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें किसी कल्प्रिट को ढूंढना है, तो येरी बोलती है कि उसे घर रेंट में ले लेना चाहिए। तो यो बोलता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस ने हमें क्लोज रहने को बोला है। तो देचुल मान जाता है। तभी वहाँ मिंगजुन गाना सुनते हुए आती है। यहाँ येरी मिंगजुन को बता रही थी कि वो मॉक एग्जाम की टॉप 10 में थी। तो मिंगजुन बोलती है तुम सच में थी, तो तुम्हें 3 बार रिटेक क्यों लिया। तो उसे याद आता है कि कैसे जूरी ने उसके एग्जाम को स्किप कर दिया था। तो येरी मिंगजुन को आंसर ना देते हुए उसके बुक्स के आंसर देती है। तो मिंगजुन बोलती है ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है मैं इसे अपने SNS में अपलोड करती हूं, क्योंकि वो फेमस हो सकती है। और वो अपने लिमिट के हिसाब से पढ़ के फोन में भिड़ जाती है। यहाँ देचुल को यो जूरी के बारे में बताता है बट ज्यादा नहीं। और यहाँ यो डबल पर्सनालिटी के सिम्टम्स पढ़ रहा था। इधर सुबह होते ही येरी यो को उठाने को आती है। वो देखती है यो अभी भी सोया हुआ था, तो वो वहाँ पड़े हुए बुक्स को देखती है और वो यो के हाथ को पकड़ती है। तभी यो की नींद खुलती है, तो यो बोलता है कि उसने उसका नाम लिया। तो येरी बोलती है नहीं, तो यो बोलता है कि छोड़ो ये एक नाइटमेयर होगा। तो येरी बोलती है कि नाइटमेयर, और हम कुछ मिनटों के लिए वही सीन देखते हैं जब वो सस्पेक्ट ने यो को इंजेक्ट किया था। तो येरी बोलती है तुम 3 साल पहले के बारे में बोल रहे हो, मुझे मिंगजुन ने बताया, वो कमीना तो पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो येरी बोलती है उसने कहीं से सुना है सच सूरज की तरह होता है, अगर तुम सच्चे हो तो एक दिन वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो यो बोलता है उस दिन के बाद से किसी का हाथ पकड़ने में मुझे डर लगने लगा था, बट तुम अलग हो। तो येरी मन में बोल रही थी कि आई लाइक यू इन्हो, और ये सुन इन्हो खुश था और वो उसको किस करने लगता है। और इसी वक्त वहाँ जूरी आ जाती है, तो यो बोलता है तुम, और यहाँ जूरी देचुल का घर देख कर खुश हो जा रही थी। तो देचुल बोलता है भाई ये तो काफी अलग है। तो जूरी यो से लिपट कर बोलती है उसने उसको बहुत मिस किया, और वो दोनों चले जाते हैं। तभी वहाँ मिंगजुन आती है जो बोलती है ये सब क्या चल रहा था। तो देचुल जूरी के जैसे आवाज निकालने लगता है। यहाँ जूरी फिर से ठूस ठूस के खाई जा रही थी, तो यो बोलता है कि खाना बंद करो ये तुम्हारी बॉडी नहीं है। तो जूरी उसको उल्टा मारने लगती है और बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, और वो उसे उसके साथ पैचअप करके येरी के साथ ब्रेकअप करने को बोल रही थी। तो यो बातों बातों में उसका नाम ले लेता है। तो जूरी बोलती है वो जब उसका नाम लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं कि जूरी उससे तब से प्यार करने लगी थी जब से उसने ब्यूंगचुल से उसे बचाया था। तो जूरी मन में सोच रही थी कि येरी के खाने से पहले मैं ही खा लेती हूँ। तो यो उसका हाथ तुरंत छोड़ देता है और जूरी वहाँ पे अपना ड्रामा स्टार्ट करके भागने लगती है। और हम यहाँ देखते हैं यो और जूरी शॉपिंग कर रहे थे, या फिर ये बोले कि सिर्फ जूरी। तो जूरी अपने ड्रेस लाने में बिजी थी, तो यो एक ड्रेस को देखता है जिसमें यो येरी को इमेजिन करके काफी खुश हो जाता है। यहाँ जूरी इनकाउंटर में ये सारी ड्रेसेस रख देती है। तो यो बोलता है तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तो वो कार्ड दिखाती है। तो यो बोलता है कि ये येरी का है। जूरी बोलती है येरी के पैसे मेरे भी है और उसकी ड्रेसेस मेरी भी है। तो उसकी जिद करने के बाद वो मान जाता है कि वो उसे अपने पैसे से वो कपड़े दिलाएगा, पर उसे उसके कपड़े दिलाने पर यहाँ से जाना होगा। तो वो अपनी चॉइस वाली ड्रेस भी ले लेता है। और इधर यो बता रहा था कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो येरी जेलस होगी। तो जूरी बोलती है सुन हो येरी को दर्द नहीं पहुँचा सकता। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है यो के सवाल पूछने पर, और वो जाकर बाथरूम में बोलती है कि वो सुन हो के साथ ऐसा नहीं कर सकती इसकी वजह से। और वो वहाँ काफी दर्द के मारे तड़प रही थी। तो वो येरी बन जाती है। वो जैसे बाहर आती है तो यो बोलता है बोला था मैंने ज्यादा मत खाओ। तो वो उसके सीने से लग जाती है। तो वो बोलता है येरी तुम वापस आ गई, और वो बोलती है वो अच्छा फील नहीं कर रही है। और वो लोग बात कर रहे थे, तो येरी बोलती है तुम पूरा दिन उसी के साथ हो गए। वो बोलता है हाँ। तो येरी बोलती है उसको इरिटेट मत करना क्योंकि वो हमें अलग करने की काफी कोशिश करेगी। तो यो को जूरी की बातें याद आती है, तो वो बोलता है कि वो ये काम नहीं करेगा। वहाँ मिंगजुन आकर बोलती है कि उसे राइस केक लेकर दो। तो यो चला जाता है। तो यो यहाँ घर आ रहा था तभी बारिश चालू हो जाती है और वो सस्पेक्ट भी यो के पीछे ही था। यहाँ मिंगजुन सारे कपड़े देखती है और येरी से यो की पसंद वाला ड्रेस भी मांगती है। तो येरी बोलती है जो लेना है ले लो बट ये नहीं। तो मिंगजुन बोलती है मैंने उसको ही लेकर बोला था मैं इसने अच्छी लगती। तो येरी बोलती है कि कौन है वो लड़का, क्या तुम्हारे स्कूल का है। तो मिंगजुन बोलती है नहीं, वो लोग बच्चे के साथ मैं हैंग आउट करना पसंद नहीं करती हूँ, वो बहुत मिस्टीरियस है।
है। तो ये बोलती है एक दिन मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाना। तो मिनजुन बोलती है ओके, और मिनजुन उसे उसके नेकलेस के बारे में पूछती है। तो मिनजुन बोलती है वो बंदा जो भी है वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, वो यो को हर्ट करना चाहता है। और हम यहाँ यो को देखते हैं जिसने फाइनली उस सस्पेक्ट को पकड़ लिया। वो पूछता है कि तुम कौन हो, और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। Had me fall into the ground.